दोस्तों यूट्यूब में ये सर्च कीजिएगा, नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देखते स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जिसे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको हम बताएंगे 5 KVA 90 वोल्ट से स्टेबलाइजर कैसे बनाते हैं, जो कि इसकी हम लोग जो कोइलिंग करेंगे वो एल्युमिनियम की वायर होगी, यानी कि इसकी जो कोइल बनाएंगे एल्युमिनियम की होगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों देरी ना करते आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की डाटा ये है, देख रहे हैं आप। इसमें स्टार्टिंग हम लोग करेंगे न्यूट्रल से। न्यूट्रल के स्टार्टिंग करने के बाद में ये 13 नंबर की तार जाएगी, स्टार्टिंग से एंड तक 13 नंबर की तार रहेगी। और इसमें हम लोग 90 वोल्ट के लिए नहीं 100 वोल्ट के लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी 90 वोल्ट की बोलती है 100 वोल्ट बनाती है, तो हम लोग भी 100 वोल्ट के हिसाब से बनाएंगे। और 100 वोल्ट के रहेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर जलने के कम चांसेस होगा। आजकल 180 में भी चलता है आपका कोई भी कंपोनेंट अप्लायंसेस, तो हम लोग 100 वोल्ट के हिसाब से इसको डिज़ाइन करेंगे। तो 100 वोल्ट के हम लोग डिज़ाइन किए हैं इसमें, तो 100 वोल्ट के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे 115 टर्न्स रहेगा 100 वोल्ट के लिए। उसके बाद में 140 वोल्ट के लिए रहेगा 161 टर्न्स, और उसके बाद में रहेगा 166 वोल्ट के लिए रहेगा 190 टर्न्स रहेगा 166 वोल्ट के लिए। उसके बाद में यहाँ पे 190 वोल्ट का मैंने टेपिंग नहीं निकाली है, या डायरेक्टली मैंने 200 वोल्ट की टेपिंग निकाल दी है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम में जितना आप ज्वाइंट कम रखेंगे ये लास्टिंग उतना ही होगी। तो इसमें हम लोग 200 वोल्ट निकालेंगे, यानी 4 लूप ही निकाले, इसमें 5 लूप नहीं निकाले हैं। तो 200 वोल्ट के लिए 230 टर्न्स लपेटेंगे इसमें, और यहाँ पे 200 जो वोल्ट का निकलेगा लूप, वहाँ से हम लोग क्या करें, रिले से ज्वाइन करके वहाँ 190 वोल्ट का जहाँ टेपिंग रहेगा रिले में, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो इससे ये वर्क करने लगी, यानी कि 5 इसमें लूप बन जाएगा, जो कि 200 वोल्ट पे हम लोग 2 लूप बना लेंगे। तो दोस्तों इसमें रिले सप्लाई के लिए रहेगा 21 वोल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे 25 टर्न निकालेंगे, जो कि ये रिले में सप्लाई चला जाएगा, यानी कि ये LT कनेक्शन चला जाएगा। और इसकी जो साइज रहेगी कोर की, दोस्तों इसमें कोर का जो नंबर रहेगा 7 नंबर रहेगी, उसकी साइज जो रहेगी 4 इंच रहेगा, यानी कि उसकी स्टेक जो है 4 इंच का रहेगा। और ये 13 नंबर का तार हम लोग को प्रयोग करना है इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो दोस्तों ये बहुत सस्ते में बन जाता है, जो कि इसमें 1 किलो 100 ग्राम एल्युमिनियम वायर जाता है, तो इसे आप बना सकते हैं इसमें, और बहुत बढ़िया वर्क करता है ये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग बहुत पसंद आएगा। मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।